इस बार होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक साथ मनाए जाएंगे। ऐसे में महिलाओं के लिए एक तरह से दोहरा उत्सव होने जा रहा है। कामकाजी महिलाओं की तो इस मौके पर हर कोई बात करता है, लेकिन SBI के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट ने घरेलू महिलाओं की देश की अर्थव्यवस्था में योगदान पर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में घर की जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाओं को उनके काम के लिए वेतन मिले तो ये देश की GDP के 7.5% के बराबर है। बिना वेतन घर पर काम करने वाली महिलाएं GDP में 22.7 लाख करोड़ का योगदान करती हैं। इस तरह ग्रामीण भारत से बिना वेतन काम करने वाली महिलाएं 14.7 लाख करोड़ और शहरी क्षेत्रों से 8 लाख करोड़ रुपए का योगदान करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक घर की जिम्मेदारी और कामकाज संभालने वाली महिलाओं का घर के साथ देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम योगदान है। घरेलू कामकाज से जुड़ी महिलाओं की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिलाओं की वजह से ही घर के पुरुष सदस्य समय पर काम के लिए पहुंचते हैं, जिसका सीधा असर उत्पादकता पर पड़ता है। उत्पादकता बढ़ने से आर्थिक विकास को रफ्तार मिलती है और अर्थव्यवस्था की चाल में संतुलन बना रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला औसतन 7.2 घंटे घर पर घरेलू काम में जुटी रहती है। शहरी क्षेत्रों में घरेलू काम में व्यस्त महिलाओं को हर महीने औसतन 8,000 और ग्रामीण भारत की महिलाओं को 5,000 वेतन दिया जाए तो ये रकम GDP के 7.5% के बराबर होगी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 5% और शहरी क्षेत्रों में 30% महिलाएं घर के काम के साथ नौकरी भी कर रही हैं। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था में पुरुषों के मुकाबले ऐसी महिलाओं का रोल बेहद खास है। ये दिन महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए और जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए मनाया जाता है, परंतु भारतवर्ष को गांवों का देश कहते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज तभी पूर्ण तरह से सत्य हो सकती है जब वो शहरों से निकलकर गांवों की तरफ भी चले। इसलिए उन महिलाओं से जो सुदृढ़ हैं, सशक्त हैं, मल्टीटास्क कर सकते हैं, आज के दिन ये निवेदन है कि वो अपने गांवों की बहनों के बारे में भी सोचें और सरकार से भी आग्रह है कि स्कीम और माहौल इस तरह से हो कि सभी लेडीज स्किल डेवलपमेंट के साथ देश की इकोनॉमी में एक्टिव कंट्रीब्यूशन कर सके। अनुमान है कि घर पर रहने वाली महिलाएं काम पर जाने लगे तो आर्थिक विकास की स्पीड काफी तेज हो सकती है। IIM अहमदाबाद की फरवरी में जारी रिपोर्ट के मुताबिक आराम करने के मामले में भी महिलाएं पिछड़ गई हैं। पुरुषों के मुकाबले अच्छा समय बिताने के मामले में महिलाएं 24% पीछे हैं। घर पर काम करने वाली 10 में से 7 महिलाएं खुद को पूरा समय नहीं दे पाती है। इसकी वजह उन्हें आए दिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी रहती है। यह हाल केवल भारत का नहीं है, दुनिया भर में कुछ ऐसी ही स्थिति है। ऐसे में महिलाओं के योगदान को नकारना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।